नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करियर पॉइंट पे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए जो भी साथी रेलवे एग्जाम की तैयारी करें, रेलवे NTPC RRC ग्रुप डी बैंकिंग SSC की तैयारी करें, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29 लेकर आए दोस्तों। अगर आप लोग सच्चे मन से अपने एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप में दम है तो 40 में से 30 क्वेश्चन सही करके दिखाइएगा। आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, उनमें से 30 आपको सही करके हमें कमेंट करके बताना है। जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको जनरल नॉलेज के साथ साथ जनरल साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको यहाँ पर पूरा पूरा फायदा मिल सके, और साथ में हमें बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। जी फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली की डेली आप लोग जो है इन वीडियोज़ का फायदा उठा सकें और अपने एग्जाम की आप यहाँ पर तैयारी कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी साथी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सभी साथी शेयर करेंगे तो चलिए देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है, तो चलिए देखिए 20, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है 20 होती है। नेक्स्ट देखिए, बाबा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका सही हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बाबा परमाणु केंद्र जो है मुंबई केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की थी? देखिए कालिदास ने, ऑप्शन सी कालिदास आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। और जी फ्रेंड्स, एक नारा इसके आगे और लगा दिया गया था, जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया था जय विज्ञान, यहाँ पे कंप्लीट किया था इसको जय विज्ञान लगा के, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, यामा पुस्तक के लेखक कौन है? यामा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए कौन है, महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा महादेवी वर्मा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अल्बानिया में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा अल्बानिया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजसांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कमेंट करिए। तो देखिए कहाँ पर है, अमृतसर में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा अमृतसर। नेक्स्ट देखिए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 6 क्षेत्रों में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जय जगत का नारा किसने दिया था? कमेंट करिए फटाफट। तो किसने दिया, देखिए विनोबा भावे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं, देखिए कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री देखिए किसको कहा जाता है, यूक्लिड को, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नमी को किस यंत्र से मापा जाता है? आपका सही हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रेयोन का, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्मंद झील किस राज्य में स्थित है? कमेंट करिए फटाफट। तो देखिए आपका सही होगा राजस्थान, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित, कमेंट करिए फटाफट। तो कहाँ पर है, देखिए द हेग में है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा द हेग। नेक्स्ट देखिए, रिकेट्स बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए यहाँ पे सही होगा आपका विटामिन डी, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए किसका है, राजस्थान का, ऑप्शन डी
राजस्थान आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका सही होगा अलकनंदा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए किसने लिखी है, कैथरीन मेयो, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मारो फिरंगी को किसने कहा था? देखिए किसने कहा था, मंगल पांडे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए तारकोल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? क्या नाम है देखिए, रोस्कोसमस, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे देखिए, एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गोवा की राजधानी कहाँ है? कमेंट करिए फटाफट। तो देखिए आपका सही होगा पणजी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गरबा किस राज्य का नृत्य शैली है? बताइएगा गरबा किस राज्य की नृत्य शैली है? तो किसकी देखिए, गुजरात की, ऑप्शन सी गुजरात आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, GATT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गैट का मुख्यालय कहाँ देखिए, जेनेवा में, ऑप्शन ए जेनेवा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करिए। तो देखिए आपका सही होगा बेरी बेरी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी की ताजपोशी कहाँ की गई थी? कमेंट करिए। तो देखिए आपका सही होगा रायगढ़, ऑप्शन सी रायगढ़ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था? देखिए आपका सही होगा 17 बार, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए आपका सही होगा सिलोन, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? क्या होती है देखिए, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था? बताइए, तो आपका सही होगा 1945, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार में लिया गया? कमेंट करिए फटाफट। तो देखिए आपका सही होगा 1948, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था? तो देखिए आपका सही होगा लाहौर, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमेंट करिए। देखिए आपका सही होगा सामूहिक संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए आपका सही होगा, बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? कमेंट करिए। देखिए आपका सही होगा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इजराइल की मुद्रा क्या है? कमेंट करिए। तो देखिए आपका सही होगा शेकेल, ऑप्शन डी शेकेल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? कमेंट करिए। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में।
तो देखिए फ्रेंड्स, आपका सही होगा सोडियम क्लोराइड। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl से इसको डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें, अपने एग्जाम के यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकें सभी साथी। जी फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल दिखाई देगी, उस पर क्लिक करिए, आपको डेली हमारी वीडियो मिल सकेगी और आप लोग अपने एग्जाम के यहाँ पर तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।